ओके, चलिए शुरू करेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम का ये दूसरा पार्ट, जहाँ पे हमें बात करना है अबाउट दी आयोनिक इक्विलिब्रियम, राइट। यहाँ पे ऐसे आपके पास सिस्टम होंगे जिनके अंदर आयन्स होंगे और आयन्स के बीच में कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम एस्टाब्लिश होगा। हम मेनली बात करेंगे अबाउट दी एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में, राइट। डिटेल में जाना है हमें और बहुत कुछ सीखना है इस चैप्टर में। चलिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जिसके एक्वियस सॉल्यूशन में से, एक्वियस सॉल्यूशन मतलब अगर आपने उसको डिसॉल्व किया, राइट, तो उसे कहते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने एक्वियस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और जो सब्सटेंस अपने एक्वियस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं उसे कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं उसको? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलिए तो लिखते हैं पहले बच्चा लोग कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ओह एक मिनट ना, ओवरफ्लो खतरनाक ओवरफ्लो हुआ। ये कातिया, तेरे हाथ तो काले हो गए पूरे कातिया। कोई बात नहीं, दाग अच्छे हैं, पढ़ाने के लिए दाग लगे तो अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वियस स्टेट। Substances which conduct electricity in their aqueous state, जैसे के solution of salt, है ना, पानी में नमक डाल के करंट पास करा वो आराम से करंट पास हो जाएगा। Similarly, solution of acetic acid या HCl, कोई भी ले सकते हो आप, जितने भी एसिड है उन सब के अंदर से करंट पास हो सकता है एक्वियस स्टेट में, राइट। तो ऐसे सब्सटेंस जिसके एक्वियस स्टेट में से करंट पास हो सकता है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, और जिसमें से करंट पास नहीं होगा उसे हम कहेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। चलिए तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है भाई? दैट इज द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट कंडक्ट electricity in aqueous state। ऐसे substance जो aqueous state में electricity conduct नहीं करेंगे उसे आप कह दोगे प्यार से non electrolyte। जैसे कि solution of sugar, glucose, urea, ये सबके aqueous solution में से कोई current पास हो सकता नहीं है तो दे आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इनके अंदर आयन बनेगा ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो रिक्वायर फ्री आयन्स। ओके, तो दिस सब्सटेंसेस आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग एनी आयन इन द सॉल्यूशन, सो दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल दिस सब्सटेंसेस आर एबल टू गिव द आयन्स इन द सॉल्यूशन, हेंस दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए मुन्ना लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। चलो तो बताता हूँ आपको मैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, चलिए तो इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स की अगर आप बात करो ना बच्चों, तो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं भाई। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या है इसका? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज 100% इन वाटर, राइट। ओके, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसको आप पानी में डालोगे तो पूरा का पूरा ही आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको आप कहते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और उसके सॉल्ट ले लो, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस,
यू हैव नंबर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस NaCl, KCl, Na2SO4, ये सबके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक स्पीसीज है NaOH HCl, KOH HCl, NaOH H2SO4। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट है, इसको जैसे ही पानी में डालोगे ना पूरा ही डीएसोशिएट हो जाएगा। सिमिलरली कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो या स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, ये सारे जो है ना ये एक के झटके में आप जैसे ही पानी में डालोगे ना पूरा ही डीएसोशिएट होके आयन बन जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है। ओके, द सेकंड केस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो हमें बहुत परेशान करेगा बिकॉज पूरा चैप्टर इसी का ही है, पूरा चैप्टर जो है ना वो इसी का है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, राइट। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट विच विल पार्शियली आयोनाइज, इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज पार्शियली, बराबर, मतलब आप जब उसको सॉल्यूशन में डालोगे ना, जैसे कि मान लो मैंने Ca3COOH लिया, एसिटिक एसिड, दैट इज अ वीक एसिड, राइट। इसको मैंने पानी में डाला, ओके अब मैं जब इसको पानी में डालूंगा ना तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, ये खाली 5% जितना ही आयोनाइज होता है, ओनली 5% इट विल आयोनाइज, ओके खाली 5% आयोनाइज होगा, दिस विल गिव यू Ca3COOH- एंड H+, दिस इज वॉट इट विल गिव यू, राइट। अर्न दिस रिएक्शन इज ऑल्सो रिवर्सिबल, राइट, बिकॉज आपके पास 95% ओरिजिनल एसिड बचा हुआ है और 5% आयन भी है, सो देर इज गोना बी इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस पर्टिकुलर स्पीसीज, राइट। यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा स्ट्रॉन्ग में, बिकॉज ये रिएक्शन तो एक ही डायरेक्शन में धप पकड़ता हो जाएगा, जैसे ही आपने सब्सटेंस डाला सीधा आयन एक ही झटके में हो जाएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो आपको जो आगे चैप्टर पढ़ना है ना बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज दिस आर द सिस्टम विच एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, यहाँ पे होना है बच्चों एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट्स द मेन पॉइंट, यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो आगे पूरा चैप्टर जितना इक्विलिब्रियम पढ़ना है ना वो इसके बारे में ही पढ़ना है हमें। चलिए आप क्या करते हैं बच्चों हर बार, हाँ सही कहा ना, काउंट ऑफ 3-2-1 स्क्रीनशॉट करोगे, चलो 3-2-1 हियर वी गो। चलिए अभी आपने एसिड बेस नाम सुना तो सबसे पहले थोड़े एसिड बेस कंसेप्ट पढ़े जाए, पढ़ते हैं चलो, ओके। टेंथ में भी आपको थे बट इतना डिटेल में नहीं था, अभी आपको डिटेल में सीखना है एसिड बेस कंसेप्ट्स क्या होता है वो, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है, चलिए आ जाए सब लोग, कम ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द एसिड बेस कंसेप्ट। तो पहले मुझे ये बताओ ना एसिड के बारे में आप बेसिक क्या क्या जानते हो। तो आप कहोगे कि सर एसिड खट्टा होता है टेस्ट में, मैं कहूँगा यस सही बात है, ओके। तो पहला पॉइंट हो गया एसिड आर सॉर इन टेस्ट, ओके। चलिए मुझे अलग अलग एसिड बताइए, व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस, HCl, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, अपने पेट में बनता है एसिड रोज का, 1.2-1.5 लीटर HCl एवरी डे प्रोड्यूस इन स्टमक, बोलो 1.5 लीटर जितना HCl बनता है अपने पेट में रोज का, ओके। देन एसिटिक एसिड, दैट इज अ विनेगर, है कि नहीं। फिर इफ यू टॉक अबाउट द लेमन, नींबू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, टोमेटो में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, लेट मी जस्ट सेक इट आउट, ये सारे नाम वाम याद रखना इतना है कुछ काम का नहीं, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। लेमन के अंदर होता है सिट्रिक एसिड और टोमेटो का तो इधर दिया ही नहीं है, ओके। वी टॉक अबाउट द ऑरेंज के अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑरेंज के अंदर होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड, टमरिंड, इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड। चलिए और कोई प्रॉपर्टी जो आपको पता हो एसिड के बारे में, यस एसिड टर्न्स, एसिड मतलब डेंजर, डेंजर मतलब लाल कलर, तो इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, एसिड क्या करेगा बच्चों, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर
टू रेड और राइट तो यू विल रिमेंबर ए बुला और यू कैन राइट ए बी आर एस इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड ए बी आर ओके चलिए देन एक और प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टी एसिड जो है ना वो मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है सही पकड़े हो सही बात है पढ़े हो आप टेंथ में चलो तो एसिड इवॉल्व H2 गैस विथ मेटल है ना मेटल के मेटल को एसिड में डालो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा तो ये तो सारे बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है सिमिलरली बेस के बेसिक प्रॉपर्टी क्या है तो आप कहोगे सबसे पहले से कड़वा लगता है बेस बीटर इन टेस्ट फिर अगर आप उसको टच करोगे ना तो इट इज़ गोना बी ओके बेसिस जो है वो टेस्ट में बीटर होते हैं टच करने पे वो थोड़े कैसे होते हैं भाई सोपी होते हैं नेचर में थोड़े से सोपी होते हैं टच करने पे चलिए बेस जो है ना वो इतना डेंजर नहीं होता है तो वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू तो बेसिक कंपाउंड क्या करेगा बच्चों रेड को कन्वर्ट करेगा ब्लू में तो यू कैन रिमेंबर लाइक बी आर बी बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू तो ये तो भाई बच्चों बेसिक प्रॉपर्टी हो गए ये हो गया आपके बेसिक प्रॉपर्टी बट अगर आपको डिफाइन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए तीन अलग अलग हमें डिफिनेशन सीखने हैं पहले हम बात करेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट फिर जाएंगे हम ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट के ऊपर और लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट द लुईस एसिड बेस कंसेप्ट ओके बिफोर दैट आपको क्या करना है इसको ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1 क्लिक्ड चलिए बोलिए बच्चों आर्हेनियस एसिड बेस डेफिनेशन याद है आपको याद ही होगा ना तो आर्हेनियस कहता है भाई के एसिड मतलब ऐसा कंपाउंड जिसको पानी में डालने पे H+ आयन प्रोड्यूस होगा राइट और बेस मतलब ऐसा कंपाउंड जिसको पानी में डालने से OH- आयन प्रोड्यूस होगा राइट तो यस दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ आर्हेनियस एसिड बेस चलिए तो आर्हेनियस एसिड बेस डेफिनेशन आर्हेनियस एसिड बेस डेफिनेशन चलिए बच्चों सबसे पहला एसिड का डेफिनेशन क्या है तो एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H+ आयन्स इन वाटर एसिड मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पे H+ आयन प्रोड्यूस होता है जैसे कि आप लिख सकते हो HX राइट दिस HX एज सून एज यू विल मेक इट एक्वियस इट विल प्रोड्यूस H+ आयन एंड X- आयन व्हाट विल इट प्रोड्यूस इट विल प्रोड्यूस H+ आयन एंड X- आयन अगर ऐसा हो रहा है तो ये HX जो है वो कैसा है भाई एसिड है ओके नाउ दिस H+ इज द प्रोटॉन H+ क्या है भाई प्रोटॉन है विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट इज़ हाईली रिएक्टिव अकेला प्रोटॉन सोचो ना कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो दिस इज द प्रोटॉन विच इज हाईली रिएक्टिव दिस इज हाईली रिएक्टिव प्रोटॉन राइट तो ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ लेगा तो ये जो H+ है ना वो पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के बना देता है H3O+ आयन राइट दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन क्या कहते हैं बच्चों इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं चलो अगर ये हाइड्रोनियम आयन के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर तो हाइड्रोनियम आयन के अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे ना बच्चों तो आप इसके इलेक्ट्रॉन पैर गिनो आपको ख्याल आ जाएगा राइट तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर देखो मैं गिन के दिखा दूँ आपने सीखा है ना ये केमिकल बॉन्डिंग में उसमें से +1 चार्ज हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बचे 5 इलेक्ट्रॉन 3 जगह पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे 3 हो गया बॉन्डिंग पैर 1 बचा लोन पैर 3 बॉन्डिंग पैर 1 लोन पैर तो ये जो आपका H3O+ आयन है ना उसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन इट इज हाइड्रोनियम आयन और इस हाइड्रोनियम आयन को होता है बच्चों 3 बॉन्डिंग पैर 1 लोन पैर
जब भी ये अरेंजमेंट होता है ना, दिस शेप इज गोना बी ट्रिगोनल पिरामिडल। क्या शेप होता है भैया आपका? ट्रिगोनल पिरामिडल होता है शेप में ये। और ये H3O प्लस जो है ना, वो बहुत ही अच्छे से वापस हाइड्रेट हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइड्रेट हो सकता है, मतलब ये और वाटर मोलिक्यूल के साथ जुड़ के स्टेबल हो सकता है, राइट? तो दिस H3O प्लस आयन, दिस H3O प्लस आयन कैन बी हाइड्रेटेड वेरी एफिशिएंटली। हाइड्रेटेड का मतलब है बहुत सारे और वाटर मोलिक्यूल के साथ ये बॉन्डिंग कर सकता है। जैसा कि ये आपका अगर एक H3O प्लस आयन है, हम स्पेस वी हैव ओके, अगर ये आपका एक H3O प्लस आयन है, यू हैव टू राइट इट लाइक ओके, देन व्हाट विल हैपन, दिस H विल कंबाइन विथ अनदर वाटर मोलिक्यूल विथ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज हाउ इट इज गोना बी हाइड्रेटेड। मतलब ये H3O प्लस आयन जो है वो H प्लस के कंपेयर में स्टेबल है, ओके, बिकॉज उसका साइज बड़ा हो चुका है और वो अच्छे से हाइड्रेट हुआ है बाकी इस वाटर मोलिक्यूल के साथ भी, राइट? तो चलो बच्चों, आरहेनियस एसिड के हिसाब से एसिड वो कंपाउंड है जो H प्लस प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, HClO4, राइट? तो ऐसे तो बहुत सारे एसिड है जो सब कुछ, जो सब क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, H प्लस आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? तो सारे एसिड जो H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं आरहेनियस एसिड। क्या कहते हैं उनको? आरहेनियस एसिड कहते हैं। तो ये हो गया बच्चों डेफिनेशन ऑफ द एसिड बाय आरहेनियस प्रिंसिपल, ठीक है? चलिए, नाउ व्हाट इज द बेस अकॉर्डिंग टू द आरहेनियस? तो आरहेनियस कहता है बच्चों कि बेस इज द कंपाउंड विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन। बेस इज द कंपाउंड विच प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन, मतलब इन वाटर। तो बेस जो है वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर सकना चाहिए, जैसे कि NaOH एडिन इन अ वाटर। यू कैन जस्ट राइट, व्हेन NaOH इज मेड एक्वियस इट विल गिव Na प्लस एन OH माइनस आयन, राइट? सिमिलरली KOH, इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस K प्लस आयन एन OH माइनस आयन, राइट? तो ऑल दिस सब्सटेंसेज विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस OH माइनस आयन इन द एक्वियस सोल्यूशन, दे आर कॉल्ड एज आरहेनियस बेसिस, राइट? तो एसिड बेस कंसेप्ट आरहेनियस तो बहुत सिंपल कहा था, एसिड H प्लस प्रोड्यूस करेगा और जो बेस है वो OH माइनस प्रोड्यूस। ओके, चलिए तो ये देखते हैं कि आरहेनियस कंसेप्ट के अंदर लिमिटेशन क्या है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है बच्चों जिनके अंदर H प्लस होता ही नहीं तो भी वो नेचर में एसिडिक होते हैं, और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिनके अंदर OH माइनस नहीं होता तो भी वो बेसिक होते हैं, तो आरहेनियस कंसेप्ट तो वो समझा ही नहीं पाएगा, राइट? तो अगर आप उसका लिमिटेशन लिखोगे तो आप बहुत ही सिंपल लिख सकते हो बच्चों कि देयर आर सम कंपाउंड विच आर एसिडिक बट दे डोंट कंटेन H प्लस, जैसे कि BCl3, AlCl3, दीज आर एसिड्स, दे आर एसिडिक बट दे डोंट कंटेन H प्लस। H प्लस नहीं है तो भी ये नेचर में एसिडिक है, बोलो कैसे समझाओगे? आरहेनियस तो मना कर दिया भाई, मेरे तो बस की बात ही नहीं है ये। सिमिलरली अमोनिया इज बेसिक विदाउट OH माइनस आयन, कैसे? हाउ? पूछा गया आरहेनियस को ये सवाल, मना कर दिया आरहेनियस ने, हमको नहीं पता, पिक्चर में किसी और को आना पड़ेगा अब, राइट? तो अब दूसरा पिक्चर में आता है, दैट इज द ब्रोनस्टेड लॉरी कंसेप्ट। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दोनों ने सेम आइडेंट काइंड ऑफ इन्वेंशंस किए थे, इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। चलिए, ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, चलिए आरहेनियस के बाद दूसरा आता है बच्चों, ब्रोनस्टेड लॉरी एसिड बेस डेफिनेशन, ठीक है? फिर एक दो छुटके छुटके एग्जांपल आएंगे, है ना? चले बच्चों, सो लेट्स टॉक अबाउट द ब्रोनस्टेड
लोरी एसिड बेस कंसेप्ट। तो ये ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट ऐसा कहता है कि एसिड जो है ना वो H प्लस को डोनेट करने का काम करता है, H प्लस मतलब प्रोटॉन, और बेस जो है ना वो H प्लस को एक्सेप्ट करने का काम करता है। यस, दैट इज द एसिड बेस कंसेप्ट, राइट। तो इनके हिसाब से एसिड का डेफिनेशन है कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करेंगे विच कैन डोनेट द प्रोटॉन, सब्सटेंसेस विच आर एबल टू डोनेट H प्लस, H प्लस मतलब प्रोटॉन, ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटीन को डोनेट करेंगे वो नेचर में एसिडिक होंगे। और बेस क्या होगा, बेस मतलब ऐसे सब्सटेंस विच आर एबल टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे ना उसे हम कहेंगे बेस, और जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे उसे हम कहेंगे एसिड। तो अमोनिया वाला प्रॉब्लम था ना आपका आर्हेनियस कंसेप्ट में, तो देखते हैं अगर अमोनिया को पानी में डाला तो क्या होगा। अगर आप अमोनिया को पानी में डालते हो ना तो पानी जो है ना वो अपना H प्लस अमोनिया को देगा। तो हुआ क्या, देखो अमोनिया ने H प्लस को एक्सेप्ट किया और पानी ने H प्लस को डोनेट किया। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से पानी ने H प्लस को डोनेट किया तो पानी का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक, और इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया तो इसका नेचर हो जाएगा बेसिक, राइट। चलिए ऐसा होने से बनेगा क्या वो देखते हैं। तो अमोनिया ने H प्लस एक्सेप्ट किया तो अमोनिया बन जाएगा NH4 प्लस आयन, पानी ने अपना H प्लस दे दिया तो बचेगा क्या पानी में, OH माइनस, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अमोनिया में से NH4 प्लस बन गया। आप उल्टा सोचो, अगर ये रिएक्शन उल्टा हुआ तो क्या होगा, अगर ये रिएक्शन उल्टा हुआ तो ये H प्लस डोनेट करेगा, है कि नहीं। अगर ये H प्लस वापस दे देगा, राइट, अगर ये अपना H प्लस वापस दे देगा तो ये अमोनिया बन जाएगा और ये वापस H2O बन जाएगा। मतलब उल्टे रिएक्शन के अंदर ये H प्लस डोनेट कर रहा है तो ये बन रहा है एसिड, और ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बन रहा है बेस। तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेट, क्या कहते हैं भाई इसको, कहते हैं कॉन्जुगेट्स। मतलब ये NH4 प्लस जो है ना, इट इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। क्या है वो, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड। तो NH4 प्लस इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया एंड OH माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। OH माइनस क्या है भाई, OH माइनस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर, राइट। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखो बच्चों, इसके बाद आपको एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड लाना है ना तो सब्सटेंस के अंदर H प्लस जोड़ दो। देखिए यहाँ पे अमोनिया के अंदर H प्लस डाल दिया तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया, और अगर आपको कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो H प्लस निकाल दो। तो इतना सिंपल सा दिमाग में रखना है बच्चों कि सब्सटेंस जो भी आपको दिया हो उसके अंदर H प्लस जोड़ दोगे ना तो जो बनेगा उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड। क्या कहेंगे उसको, कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे, ओके। और किसी भी सब्सटेंस में से H प्लस को निकाल दोगे तो जो बनेगा उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। इसके बाद एग्जांपल आएगा तो आपके लिए समझना बहुत आसान होगा अगर ऐसे याद रखोगे तो। H प्लस ऐड करो, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, H प्लस निकाल दो, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ओके। दिस इज हाउ यू कैन सिंपली रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। चलिए बच्चों, नाउ एक और बात आपको ध्यान रखना है, इफ एसिड इज स्ट्रांग, अगर एसिड स्ट्रांग होगा ना तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा ना वो वीक होगा। इस कॉन्जुगेट बेस इज वीक, उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा। मतलब स्ट्रांग का कॉन्जुगेट वीक होता है और वीक का कॉन्जुगेट स्ट्रांग होता है, राइट, ओके। एंड यू कैन राइट वाइस वर्सा। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ व्हाट विल हैपन। यहाँ पे अगर आपका सब्सटेंस है कोई और ये उसका कॉन्जुगेट सिस्टम है, सपोज इफ योर सब्सटेंस इज स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग का कॉन्जुगेट होता है वीक, एसिड का कॉन्जुगेट होता है बेस। जैसे कि स्ट्रांग एसिड आप ले लो HCl, ओके। अगर आपको उसका कॉन्जुगेट चाहिए, इसे स्ट्रांग एसिड, अगर मुझे बेस बनाना है तो मैं एक H+ निकाल दूंगा,
क्या करेंगे, एक एच प्लस को निकाल देंगे, एच प्लस निकाल दो, बना गया भाई ये सी एल माइनस। तो सी एल माइनस इज अ वीक बेस, सी एल माइनस आयन कैसा है, नेचर में वीक बेस है। एच सी एल स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट है सी एल माइनस, जो नेचर में कैसा होगा, वीक एसिड, वीक बेस होगा, राइट। सिमिलरली इफ यू हैव वीक एसिड तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा, वीक का कॉन्जुगेट होगा स्ट्रॉन्ग और एसिड का कॉन्जुगेट होगा बेस। जैसे कि अगर एसिडिक एसिड है ओके, उसका अगर आपको बेस करना है तो एक H प्लस को निकाल दो, H प्लस को आपने निकाल दिया तो ये हो गया सी ए थ्री सी डबल ओ माइनस। तो ये होगा नेचर में स्ट्रॉन्ग बेसिक, कैसा होगा ये, नेचर में स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, राइट। सिमिलरली इफ यू हैव, डू यू हैव इनफ स्पेस, यस, इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH, चलो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ओके लेट्स नॉट टेक NaOH, चलो कोई नहीं NaOH नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग बेस, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट, कॉन्जुगेट क्या होगा, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, राइट। चलिए इसके अंदर अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो आपको H प्लस डालना पड़ेगा इसके अंदर, है ना। देखो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए आपको एच प्लस ऐड करना पड़ेगा, एच प्लस ऐड करो, एन ए ओ एच में एक और एच प्लस ऐड होगा, ये हो जाएगा एन ए ओ एच टू प्लस, इसमें से सिंपली वाटर मोलिक्यूल निकल लेता है तो ये होता है खाली Na प्लस आयन। कौन सा आयन होता है भाई, खाली Na प्लस आयन होता है, राइट। इसी तरह से आप एक और पेयर बना सकते हो, अगर वीक बेस है, वीक बेस तो उसका कॉन्जुगेट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इतना ध्यान रखो बच्चों, कॉन्जुगेट पूरा उल्टा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट वीक, एसिड का कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा, ओके फाइन। तो दिस इज द एसिड बेस कंसेप्ट गिवन बाय ब्रॉन्स्टेड लोरी। अभी भी प्रॉब्लम है, इसके अंदर भी दिक्कत है भाई, दिक्कत ये है एसिडिक नेचर ऑफ बी एफ थ्री ए एल सी एल थ्री, यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस, दे डोंट हैव एच प्लस, बिकॉज इनके हिसाब से भी एसिड तो वही है जो एच प्लस देगा, इनके पास तो एच प्लस है ही नहीं, है ना। इसके हिसाब से भी एसिड तो एच प्लस देना चाहिए, इनके पास एच प्लस कहाँ है, तो ये एच प्लस कहाँ से देंगे, जेब में से, जेब ही नहीं है इनके पास तो, राइट। मतलब ये कंपाउंड एसिडिक नहीं है एज पर दिस ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, राइट, समझ रहे हो आप, ओके। तो ये हो गया बच्चों आपका ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस प्रिंसिपल। चलिए फटाफट इसको करेंगे स्क्रीनशॉट ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1। चलिए अभी तीसरा कंसेप्ट आएगा, दैट इज लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। विशाल पानी लाओ ना। चलिए बेटा आप बात करते हैं अबाउट द लुईस कंसेप्ट, क्योंकि दिक्कत अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, वो दिक्कत है अभी तक, कोई नहीं, अभी दिक्कत सारे सॉल्व। देखो चलिए लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, और फिर तो इक्विलिब्रियम करना है, मजा करा दूंगा तुमको आज मैं, देखो खाली। चलिए लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, लुईस ऐसा कहता है भाई कि एसिड मतलब ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, समझ गए, एसिड इलेक्ट्रॉन को लेगा, बेस इलेक्ट्रॉन को देगा, दैट्स द लुईस कंसेप्ट। चलिए तो लुईस के हिसाब से एसिड क्या है, एसिड आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, सिंपल समझो ना, एसिड एच प्लस को डोनेट करता है, पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, दैट्स क्वाइट सिंपल थिंग, राइट। चलिए बेस क्या है, तो बेस ऐसे सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, बहुत पैसे है तो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे ना, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं ना बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, क्या करते हैं भाई, बेसिक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। चलो कब से दिक्कत खड़ा कर रहा था ना, बी एफ थ्री, राइट, इसका नेचर हम नहीं समझा पा रहे थे, कोई बात नहीं, और एक अमोनिया था वो भी दिक्कत में था, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होगा आपको पता है,
ठीक है ना, अमोनिया के पास एक लोन पेयर बचेगा। और बोरॉन का अगर आप चेक करोगे तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरॉन के पास खुद के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। हाँ हाँ हाँ, अगर ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन को दे देगा, समझे आप, राइट। तो इसने भाई ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, डोनेट करता है तो इसका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है मतलब दिस इज लुईस बेस, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया तो दिस इज लुईस एसिड। यू कैन नॉट कॉल इट आर्हेनियस एसिड, यू कैन नॉट कॉल इट ब्रॉन्स्टेडलोरी एसिड, दिस इज ओनली एंड ओनली लुईस एसिड, क्योंकि आर्हेनियस एंड ब्रॉन्स्टेडलोरी के हिसाब से ये एसिडिक डेफिनेशन सेट नहीं हो रहा है। हाँ, लुईस के हिसाब से ये एसिडिक कंपाउंड है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। सेम फॉर द AlCl3 ऑल्सो, उसमें भी एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके वो ऑक्टेट कंप्लीट करवा सकता है। ओके, तो दिस इज द लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। चलिए ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं, चलिए आ जाइए, चलिए बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है जो एसिडिक होंगे नेचर में, तो जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं ना वो सारे के सारे नेचर में लुईस एसिड होते हैं, बिकॉज खुद पॉजिटिव आयन है तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। चलिए तो यहाँ पे लिखा भी है, आप लिख सकते हो बच्चों, ऑल पॉजिटिव आयन्स आर लुईस एसिड, जैसे कि CO+3 आयन ले लो, Mg+2 आयन, Na+ आयन, कोई भी आयन ले लो, पॉजिटिव आयन कोई भी ले लो, सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे ऑल आर लुईस एसिड। ऑन दी अदर हैंड ऑल नेगेटिव आयन्स आर लुईस बेस, नॉट ओनली नेगेटिव आयन्स एंड ऑल्सो स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लुईस बेस, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन के पास लो लोन पेयर होगा, अमोनिया, जस्ट देखा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, OH- खुद ही नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे सारे स्पीसीज जो नेगेटिवली चार्ज हो जिनके पास लोन पेयर हो एक्स्ट्रा, दे ऑल विल बिहेव एज अ लुईस बेस, राइट। ठीक है, चलिए फटाफट एक काम करेंगे बच्चों, इसको करेंगे स्क्रीन शॉट, ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1 को। चलिए अब हम करेंगे बच्चों इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए NCERT के एग्जांपल्स, और फिर हम जाएंगे इक्विलिब्रियम पे, अभी तक इक्विलिब्रियम तो आया ही नहीं है, अब इसके बाद आएगा इक्विलिब्रियम। ओके चलिए, ओके चलिए, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्जुगेट सिस्टम से जुड़े हुए। चलिए पहला आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 7.12, ऐसा पूछा है व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेसिस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, तो आपको पूछा है व्हाट आर कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ। चल बच्चा, पहला है आपको HF दिया हुआ, दूसरा आपको है H2SO4 दिया हुआ है, और तीसरा आपको दिया हुआ है HCO3। चल मुन्ना, मैंने आपको सिखाया कि अगर आपको कॉन्जुगेट बेस चाहिए ना, बेस चाहिए तो इसमें से एक एच प्लस निकाल दो। कॉन्जुगेट बेस कब बनेगा, व्हेन दे विल बिहेव एज एसिड, व्हेन दिस विल बिहेव एज एसिड, दे विल डोनेट द एच प्लस, बाकी बचा हुआ कॉन्जुगेट बेस रह जाएगा, है ना, तो इनको एसिडिक बिहेव कराना है तो सब में से एक एक एच प्लस निकाल दो। चलो इसमें से एच प्लस निकालो, बचा आपका F-, एच प्लस एक निकाल दो, बचा ये HSO4-, एक एच बचेगा ना, HCO3 में से एच निकाल दो, दिस हैज़ टू बी H2CO3, राइट, ओके, HCO3 माइनस आयन है, इसमें से एक H निकाल दो, बचेगा ये CO3-2, राइट। तो जब भी आपको बच्चों कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो आपके सर ने आपको कहाँ सिखाया, कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए आपके सर ने आपको सिखाया रिमूव H प्लस फ्रॉम गिवन सब्सटेंस। ओके, ई सिखाया आपके सर ने आपको। चलो बच्चों आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7.13, प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम अंटिल यू थिंक इट एज अ प्रॉब्लम। चलो राइट द कॉन्जुगेट एसिड्स फॉर द फॉलोइंग, आपको कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, राइट। चलिए राइट कॉन्जुगेट एसिड्स,
क्या क्या दिया है आपको चमन लोग, NH2 राइट, NH2 माइनस होगा ये, NH3 HC00-। चलो अभी आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। कॉन्जुगेट एसिड तब बनेगा जब ये खुद बिहेव करेंगे एज अ बेस, राइट। ये खुद कैसे बिहेव करेंगे एज अ बेस, तो इनका कॉन्जुगेट बनेगा एसिड, तो इनको खुद बेसिक बिहेव करवाना है। बेस क्या होता है, जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए H प्लस जोड़ देंगे, एड H प्लस इन गिवन स्पीसीज। चल बच्चा H प्लस जोड़ दे इसके अंदर, क्या मिलेगा तुझे, H प्लस जोड़ इसको, NH2 माइनस में H प्लस जोड़, NH3 हो जाएगा, NH3 में एक और H प्लस जोड़, NH4 प्लस हो जाएगा, HC00- में एक H प्लस जोड़, HC00- में एक H प्लस जोड़, दैट इज HC00H। तो दिस ऑल आर कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ दिस गिवन थिंग। चल अगला सवाल भी ऐसा ही है, हाँ। क्या कहा है, द स्पीसीज H2O, HCO3, HSO4 एंड NH3 कैन एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज बेसिस। तो आपको ना इन सारों के लिए एसिड बेस दोनों लिखने हैं, अभी लिख देते हैं, चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम होशियार इंसान हैं, हम मतलब आप लोग, हम तो कहाँ होशियार। चलो आपको दिया है स्पीसीज, इस तरफ लिखते हैं कॉन्जुगेट एसिड है ना, और इस तरफ लिखेंगे कॉन्जुगेट बेस, चलो ठीक है, ध्यान देना, ओके। चलो तो मुझे पहले, मैं वापस आपको बता देता हूँ, अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो एक H प्लस ऐड करेंगे, क्या करेंगे, एक H प्लस को ऐड करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो एक H प्लस को रिमूव करेंगे, बराबर है। चलो स्पीसीज को ब्लू मार्कर से लिखता हूँ ताकि आपको ख्याल रहे, पहला स्पीसीज आपको दिया हुआ है वाटर, फिर है HCO3- HSO4- NH3। चलिए ओके, आपको बनाना है एसिड, एक एक H प्लस जोड़ो इसके अंदर, चलो H प्लस जोड़ो, H प्लस जोड़ो, H प्लस जोड़ो, माइनस शायद कम करना पड़ेगा आपको, हाँ एच प्लस जोड़ो तो NH4 प्लस हो जाएगा, इतना तो आपको आता होगा, राइट। चलिए यहाँ पे H प्लस निकालो बेस बनाने के लिए, तो ये बच जाएगा OH-, एक और H प्लस निकालो CO3-2, एक और H प्लस निकालो SO4-2, एक और H प्लस निकाल दो यहाँ से, तो ये बचेगा NH2-। सिंपल है एकदम, ऐसे बगासा खाते हुए तो सॉल्व कर लो, चुटकी तो थोड़ा मुश्किल होता है, ये बगासा खाने वाला क्वेश्चन था, एकदम सा सिंपल जैसा है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7.15 करेंगे, बट उसके पहले आपको ऑन अकाउंट ऑफ 3, 2, 1 डन 7.15। चलिए क्या कहता है 7.15, तो सवाल नंबर 7.15 कहता है के क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुईस एसिड एंड लुईस बेस एंड शो हाउ दे एक्ट एज सच। तो आपको क्लासिफाई करना है एज अ लुईस एसिड एंड बेस, तो जैसे ये लुईस आया ना, आपको दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर वाला, एसिड क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस क्या करता है भाई, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, है ना। चलो मैं आपको स्पीसीज दे देता हूँ भाई, HO-, F-, H+, एंड BCl3। चलिए सबको मेरे साथ में करना है ये, अब मैं आपको पहले एक मिनट दे रहा हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, और आपका एक मिनट शुरू होता है अब। चलिए बताइए फटाफट, कौन लुईस एसिड कौन लुईस बेस, फटाफट, हाँ थोड़ा थोड़ा खुद से मेहनत करना पड़ेगा ना, है ना, पर ऐसे हुई थाली में से तो सब खा सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए चलिए मैंने हिंट आपको दे दिया है ऑलरेडी, चेक करिए ऐसा कौन है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे कौन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वॉट डू थिंक, क्विकली 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 फटाफट जल्दी 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 डन। चलिए समय समाप्ति की घोषणा उत्तर बच चुका है,
OH माइनस नेगेटिव स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट ही कर सकता है खुद नेगेटिव हो तो ये हो गया लुईस बेस। क्यों भाई? इट इज नेगेटिवली चार्ज आयन विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पैर। नेगेटिवली चार्ज आयन डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट कर सकता है। F माइनस वापस नेगेटिव लुईस बेस, सेम रीजन। H प्लस ये मना मुन्ना लो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? लुईस एसिड होता है। का है लुईस एसिड? इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज पॉजिटिवली चार्ज। चल बच्चा अब ये न्यूट्रल है, बट आपको पता है अभी मैंने कराया BCl3 में बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। लुईस एसिड है ये ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है? दैट इज वाई इट इज लुईस एसिड। चलो बच्चों अभी नया कंसेप्ट आप खत्म करोगे फटाफट ऑन काउंट ऑफ 3 2 1। चलिए अब आपका पूरा एक नया टॉपिक आएगा, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। क्योंकि इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं, और 10th स्टैंडर्ड में आपने इसके दर्शन किए होंगे जिसको आप कहते हो pH। क्या कहते हो इसको? आप pH कहते हो, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? चलिए तो व्हाट वाज द एग्जैक्ट नेम ऑफ द टॉपिक? आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस, ठीक है? चलिए बच्चों तो अभी जो हमने कॉन्जुगेट वाला सिस्टम देखा, हमने 3 प्रिंसिपल पढ़े। अब आरहेनियस प्रिंसिपल में भले बहुत सारी खामियां थी, बट आरहेनियस कंसेप्ट ही हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, बिकॉज नॉर्मली हमें जितने एसिडिक कंपाउंड के साथ काम करना है वो सारे ऐसे एसिड होंगे जो H+ डोनेट करेंगे, राइट? और जो बेसिक कंपाउंड से काम करना है वो सारे ऐसे बेसिस होंगे जो OH- डोनेट करेंगे। मतलब हम आरहेनियस कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, दैट्स अ फर्स्ट थिंग, राइट? चलिए बच्चों अब दूसरी बात, इफ़ यू टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ HA इज रिएक्टिंग विद H2O, चलिए विल गिव यू रिवर्सिबली। ओके यहाँ पे सपोज ये आपका एसिडिक कंपाउंड है और ये बेसिक कंपाउंड है, तो एसिडिक कंपाउंड क्या करेगा? अपना H+ डोनेट कर देगा, तो ये बन गया बच्चों A-, और वाटर ने एक्सेप्ट किया, वाटर बन गया H3O+। चलो ये आपका एसिडिक कंपाउंड था, तो उसमें से ये जो बना उसे आप कहोगे कॉन्जुगेट बेस, और ये जो आपका बेस था उसमें से जो बना उसको आप कहोगे कॉन्जुगेट एसिड। डेफिनेटली यू विल कॉल दिस एज कॉन्जुगेट एसिड, राइट? नाउ हाउ डू यू सी, यहाँ पे सिस्टम में आपके पास 2 एसिड है प्रेजेंट, एक ये एसिड भी प्रेजेंट है और एक ये एसिड भी प्रेजेंट है, ओके? एंड वी हैव प्लेस द रिवर्सिबल एरो, मतलब अब यहाँ पे उल्टे रिएक्शन में ये H+ डोनेट कर सकता है। सवाल ये है कि भाई कौन सा रिएक्शन होगा, ये H+ डोनेट करेगा कि ये H+ डोनेट करेगा? मतलब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में? अगर आपको ये समझना है रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2 एसिड दिख रहे हैं ना आपको, इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? जो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो H+ को डोनेट करेगा, राइट? और उसके डायरेक्शन में आपका रिएक्शन होता जाएगा, ठीक है ना? एसिड का स्ट्रेंथ डिसाइड करने के लिए हम एक स्केल यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं pH स्केल। क्या कहते हैं बच्चों उसको? हम pH स्केल कहते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट द pH स्केल, उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, दैट इज आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, राइट? लेट्स सी दैट। चलो तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डिसाइड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड।
इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, राइट। चलिए इस पर्टिकुलर स्टेज पर मैं आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेसिस के एग्जाम्पल दे देता हूँ, राइट। चलिए सो लेट्स स्टेबुलेट हियर, स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो, हाँ, कॉन्जुगेटेड बेस जो वीक रहेगा नेचर में। क्विकली देख लीजिए बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना वो होता है HClO4। उसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए आपको तो एक H+ निकाल दो, ClO4- जो बहुत ही वीक बेस है। वीक क्यों है पता है ये? क्योंकि इसका नेचर है H+ को डोनेट करने का। एक बार इसने H+ डोनेट कर लिया ना और ये बना दिया ना, उसके बाद ये वापस H+ को लेगा ही नहीं, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको H+ डोनेट ही करने हैं भाई, इसको H+ एक्सेप्ट करना ही नहीं है वापस। मतलब ये भाई साहब जान के भी फिर H+ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जो है ना वो बहुत ही वीक बेस ही है। कैसा है ये? बहुत ही वीक बेस, क्योंकि ये H+ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, राइट। मतलब अगर मान लो ये एसिड आपका HClO4 है, पानी में डाला तो यहाँ पे आपका आयन बना ये वाला ClO4- और H3O+ बना। अब एक तरफ आपका HClO4 है और एक तरफ वॉट H3O+ है। अब ये HClO4 इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो H+ देता ही रहेगा और ये रिएक्शन को रिवर्स आने ही नहीं देगा। मतलब ये भाई साहब कभी H+ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब ये बहुत ही वीक बेस हो जाएगा। आई होप कि थोड़ी मेरी गति के साथ आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सिमिलरली अनदर एसिड H2SO4, कॉन्जुगेट इज HSO4-, नाइट्रिक एसिड हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं NO3-, HCl क्या बात करें इसके बारे में, तो Cl- फ्रिक्वेंटली वी यूज़ इट, देन HBr फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं भाई, राइट। तो ये जितने भी हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे बहुत ही वीक कॉन्जुगेट बेस हैं, कि उनके एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ आई गिव यू सम वीक एसिड और यहाँ पे अगर आप उसके कॉन्जुगेट बेस लिखोगे ना, दे आर गोना बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे कि एसिडिक एसिड, चलो कॉन्जुगेट बेस लिखना है, H+ निकाल दो, विल गिव यू CH3CO-, या HF विल गिव यू H+, H+ निकाल दो विल गिव यू F-। चले और कोई एसिड है तो मैं ज़रा एक नज़र मार लेता हूँ, HNO2 भी है, HNO2 नाइट्रस एसिड, H+ निकालो। ओके, अब यहाँ पे बच्चों आप समझो, अगर यहाँ पे आपका एसिड HF है, पानी में डाला, F- आयन बने, H3O+ बने। अब आपके पास दो एसिड प्रेजेंट है, HF एंड H3O+। अब ये HF इतना वीक एसिड है कि ये H+ ज़्यादा दे नहीं पाएगा, उसके कंपेयर में ये वाला फटाफट H+ देगा, तो ये बहुत ही जल्दी H+ को एक्सेप्ट करेगा। H+ को एक्सेप्ट करेगा मतलब ये नेचर में स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगा। ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेचर में स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगा, राइट। चलिए तो ये सारे के सारे दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस, वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेसिस दे ऑल आर, राइट। सिमिलरली इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पे उसके जो कॉन्जुगेट आयन बनेंगे वो बहुत ही वीक होंगे, उसके जो कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे वो नेचर में कैसे होंगे, बहुत ही वीक रहेंगे। जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस यू कैन ऑलवेज गो विथ NaOH, कॉन्जुगेट होगा उसका Na+, KOH कॉन्जुगेट होगा उसका K+, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे के सारे हैं वो बहुत ही वीक कॉन्जुगेट एसिड है। कैसे है बच्चों? सारे के सारे बहुत ही वीक कॉन्जुगेट एसिड है, ये वापस फिर आयन को लेने वाले नहीं हैं, दे आर वेरी वीक कॉन्जुगेट एसिड, वो वापस H+ को लेते नहीं है। ओके, चलिए इसी तरह से वीक बेसिस में इतने कुछ एग्जांपल है नहीं खास, वीक बेसिस में आपके एग्जांपल रहेंगे बच्चों, दैट इज़ अमोनिया एक है जो बार बार काम में आता है वीक बेस में, एंड अमाइन कंपाउंड, यही आपको एग्जाम्पल मिलेगा आगे जाके। वीक बेस इज़ बेसिकली अमोनिया और उसका कॉन्जुगेट आयन बनता है NH2-, जो कैसा रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा कॉन्जुगेट एसिड, बिकॉज ये वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको ये जानना ज़रूरी है बच्चों के रिएक्शन के अंदर किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ओके, जिस तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या जिस तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो रिएक्शन करेगा, डेफिनेटली उसकी तरफ से रिएक्शन को आगे जाना रहेगा।
ओके चलिए अब आपके पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज़ अ पीएच, ठीक है। चलिए बात करेंगे अबाउट द पीएच, ओके इन द नेक्स्ट सेक्शन। फटाफट इसको करेंगे स्क्रीनशॉट ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1।